रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो कहते हैं ना कि सिर्फ नाम ही काफी है। वैसा ही है कुंडा से विधायक राजा भैया का नाम। पूरे यूपी में सिर्फ राजा भैया के नाम का ही सिक्का चलता है। इस चुनाव में भी भले ही कोई साथ नहीं था, लेकिन जनता हमेशा की तरह राजा भैया के ही साथ थी। तभी तो 6 बार के बाद 7वीं बार भी प्रतापगढ़ के कुंडा से जीतने में कामयाब रहे राजा भैया। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कुंडा के लोगों के लिए सब कुछ राजा भैया ही है। यहाँ तक कि कुंडा की जनता की पुलिस और कोर्ट भी राजा भैया ही है। प्रदेश की जनता ने भले ही बीजेपी को फिर एक बार सत्ता पर विराजमान किया हो, लेकिन कुंडा में तो चलता है सिर्फ और सिर्फ राजा भैया का राज। और अब जब राजा भैया फिर एक बार चुनाव जीत गए हैं, तो लौट आए हैं फॉर्म में और लगाया अपना जनता दरबार, जिसे आप कुंडा के लोगों की अदालत भी कह सकते हैं। बेंती महल में राजा भैया का ये दरबार लगता है और बाकायदा यहाँ होती है सुनवाई। कुंडा के लोगों की समस्याओं का होता है निपटारा और पीड़ित को राजा भैया के दरबार से मिलता है इंसाफ। सबूतों और गवाहों को हाजिर नाजिर मानकर राजा भैया की इस अदालत में फैसले लिए जाते हैं और न्यायाधीश होते हैं खुद राजा भैया। इसी तरह की राजा भैया की अदालत को चलते फिरते करीब 3 दशक बीत चुके हैं, लेकिन मजाल है किसी ने राजा भैया की अदालत में सुनाए गए किसी भी फैसले को नजरअंदाज कर दिया हो या खुद से ऊपर मान लिया हो। कोई भी आज तक राजा भैया के किसी भी फैसले को चुनौती देने की सोच भी नहीं पाया है। अब इसको चाहे राजा भैया की दहशत कह लें या फिर सम्मान, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह उस राजा भैया के दरबार में होता वही है जो वो चाहते हैं। अब आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि राजा रजवाड़ों का दौर खत्म हो चुका है। उसके बाद भी राजा भैया ही है। कुंडा में सिर्फ एक ही सरकार चलती है, वो है सिर्फ राजा भैया की सरकार, क्योंकि वो अन्य विधायकों की तरह जन समस्याओं को सुन सरकार तक नहीं पहुंचाते, बल्कि हर समस्या का समाधान खुद ही खोजकर पीड़ित को न्याय दिलाते हैं। फिर मामला चाहे जो भी हो, सास बहू का झगड़ा हो या फिर जमीनी विवाद, किसी पर जानलेवा हमला हुआ हो या फिर दो पक्षों में मारपीट, मामला राजा भैया तक पहुंचता है, फिर तत्काल लगती है सभा और होता है फैसला। बेती महल में लगता है राजा भैया का दरबार। ये वो बेती महल है जहां सिर्फ राजा भैया होते हैं और जनता होती है, इन दोनों पक्ष के बीच में और कोई नहीं होता। सुबह 10 बजे से ही यहां लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। राजा भैया के दरबार में लोगों के लिए लकड़ी की चेयर टेबल भी रखी हुई है, ताकि आराम से प्रार्थनार्थी अपनी बात कह सके। दोपहर 12 बजे करीब होता है शंखनाद, जो कि संकेत होता है कि राजा भैया अब दरबार में आने वाले हैं। जैसे ही वो आते हैं, वैसे ही जयकारे लगने शुरू हो जाते हैं। राजा भैया का ये दरबार रिजल्ट के अगले दिन ही बिना देरी किए लग गया। सभी ने राजा भैया को फिर एक बार जीत हासिल करने के लिए बधाइयां दी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी का अभिवादन राजा भैया स्वीकार करते हैं और जन कल्याण की बातें करते हैं। अचंभे वाली बात यह है कि राजा भैया की छवि ऐसी है कि कोई भी अधिकारी तक राजा भैया की कही बात को टालता नहीं है। जन समस्याओं को सुलझाने के लिए राजा भैया ने खुद की फौज तैयार की हुई है। जो भी समस्याएं आती हैं, राजा भैया की फौज के लोग उसे कागज पर लिख कर निकल पड़ते हैं पीड़ित को इंसाफ दिलवाने। आरोपी पक्ष को तत्काल राजा भैया के सामने पेश किया जाता है और फिर होता है फैसला, जिसका होता है सबको इंतजार। संभव है कि मामला सरकारी विभाग से जुड़ा हो, तो बिना देरी किए होता है हर समस्या का हल, क्योंकि राजा भैया के लिए परेशानी परेशानी है, फिर चाहे वो निजी हो या फिर सरकारी। राजा भैया के करीबी विधायक, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, पुलिस और राजस्व अधिकारियों के पास जांच के लिए मामले को भेजा जाता है और फिर उस मामले को लेकर तैयार रिपोर्ट पर निगाह खुद राजा भैया की रहती है। सरकारी विभाग मामले को लटकाते इसलिए है क्योंकि राजा भैया के प्रति उनकी भी जवाबदारी होती है। अब जिस शख्स की शख्सियत ऐसी होगी तो फिर तानाशाही के आरोप भी लगेंगे ही, राजा भैया पर भी लगते हैं। उन पर अक्सर तानाशाह का रवैया अपनाने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन शायद राजा भैया समझते हैं कि उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मायावती की सरकार में तो इसी बात को लेकर राजा भैया को जेल तक जाना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी राजा भैया के लिए बदला कुछ भी नहीं। इस बार तो देखिए, कभी अखिलेश के बहुत करीबियों में गिने जाने वाले राजा भैया को अखिलेश का भी साथ नहीं मिला, लेकिन फिर राजा भैया ने हार नहीं मानी और परिस्थिति का सामना कर परिणाम हम सबके सामने है। राजा भैया को जहां 76,620 मत हासिल हुए, तो वहीं सपा प्रत्याशी गुलशन यादव को 49,867 वोट मिले हैं, यानी कि राजा भैया ने सपा प्रत्याशी गुलशन यादव को 26,753 मतों से हराया है।
हालांकि राजा भैया अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। उन्होंने कह भी दिया था कि कुंडा में कोई कुंडी नहीं लगा पाएगा। वैसे आप राजा भैया की इस तरह की शख्सियत से क्या समझते हैं? क्या वो सच में एक तानाशाह की तरह है, या फिर कुंडा की जनता के लिए वो जो भी कुछ करते हैं सही करते हैं? आपके इस पर विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।